उसकी सूचना अखबारों के माध्यम से हमें प्राप्त हुई थी। उसके बाद सोनू सूद ने भी ट्वीट करके बोला था कि इनको मदद करेंगे, लेकिन फिर मैंने बाद में पता लगवाया तो परिवार को मदद नहीं पहुंची सोनू सूद के द्वारा। तो इसकी जानकारी फिर मैंने माननीय मंत्री जी को दी। माननीय मंत्री जी ने तुरंत निर्देश दिया कि इनको लेके आने के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि राज्य में ऐसे स्वास्थ्य मंत्री हैं जो इमीडिएट काम करते हुए इनको एडमिट कराए हैं और मेडिका को निर्देश दिया है कि जो भी खर्चा होगा वो स्वास्थ्य विभाग उठाएगा, कैसे भी करना है वो सीएम से बात करेंगे। लेकिन इससे सरकार की जो भूमिका है वो नजर आती है कि कोरोना काल में भी कितने ज्यादा एक्टिव है मेडिकल टीम हमारी, और परिवार को पूरी सहायता देने के लिए मंत्री जी ने आश्वासन दिया। देखिए, जो ये बच्चे का इलाज है पूरी तरीके से सरकार दायित्व ले रही है, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि कहीं पर भी यदि कोई ऐसा आदमी हो जो जिसकी माली हालत ठीक नहीं है, गरीब है, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कई योजना भी अप्लाई है, आप जानते हैं मुख्यमंत्री गंभीर योजना में पैसा और समय भी सारा ये किया है, और उसको हम लोग बढ़ा भी रहे हैं। अभी जो हमारे आयुष्मान भारत का जो ये है उसको भी हम लोग ठीक ठाक कर रहे हैं। तो हम लोगों को ऊपर से भी निर्देश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीब के हित में, सामान्य लोगों के हित में काम करें। उसी के क्रम में आप देखिए ये 98% मार्क्स लाया है ये बच्चा, और ये इसकी दोनों किडनी जो है गड़बड़ हो गई है, तो इसके लिए हमने मेडिका के बॉस अनिल जी से बातचीत किया और अभी भर्ती करवा रहे हैं, और इसमें जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे सरकार की तरफ से, और सरकार एकदम जनहित के लिए बनी है और जनहित की रक्षा करेगी। यहाँ लोग रहने के लिए कुछ व्यवस्था, वो सारी चीज़ जो है वो हम लोग करेंगे, सारी चीज़ करेंगे।